पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। जूली माय लव, यू आर द लव ऑफ माय लाइफ। जूली, उंगली खुजली ने प्लान बनाया स्विफ्टली और पाइस दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आगली क्या? सरताज जिप्सम, भारत का पहला ISI मार्क जिप्सम, पंजाब हरियाणा के साथ अब उत्तर प्रदेश में भी उपलब्ध। सरताज जिप्सम, नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम युक्त, हर तरह की फसल, फल व सब्जियों के लिए इस्तेमाल करें, उपज की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाएं, सरताज जिप्सम अपनाएं। मेरे के पास स्वागत है आपका। तो लगातार हम बड़ी खबर में बने हुए हैं। हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला ने बयान दिया है समाचार प्रेस के स्टूडियो में। आरोप लगाने वाली महिला ने साफ कहा कि उन्होंने काम का वादा किया था, जिसे लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मैंने गुस्से में आकर हरक सिंह रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मुझे हरक सिंह रावत से कोई शिकायत नहीं है, मैं अपना मुकदमा वापस लेना चाहती हूं। मुकदमा दर्ज होने के बाद हरक सिंह रावत ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, हम इतना गुस्से में थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो तमाम बातें आरोप लगाने वाली महिला की तरफ से कही गई। समाचार प्लस के स्टूडियो पहुंची आरोप लगाने वाली महिला, समाचार प्लस के खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन में साफ कहा कि जो आरोप लगाए गए थे उसकी तरफ से वो तमाम आरोप बेबुनियाद थे। गुस्सा आ गया था, मानसिक संतुलन खो बैठी थी, जिसके चलते आवेश में ये मुकदमा दर्ज कराया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला ने आरोप को बेबुनियाद करार दिया। हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि मुझे इस दौरान जब बातचीत की थी नौकरी को लेकर, जब वादा किया गया था हरक सिंह रावत की तरफ से, तब हरक सिंह रावत ने उस वादे को नहीं निभाया और डांट दिया था, जिसके चलते मैं गुस्से में आ गई थी, अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, सही और गलत का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी, जिसके चलते मैंने आवेश में मुकदमा दर्ज करा दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुस्से में हरक सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुझे हरक वक्त से कोई शिकायत नहीं है, मुझे इस पूरे मामले को लेकर खेद है, मैं अपना मुकदमा वापस लेना चाहती हूं। ये कहना है आरोप लगाने वाली महिला का। मुकदमा दर्ज होने के बाद हरक सिंह ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। जब पूछा गया आरोप लगाने वाली महिला से कि क्या किसी के दबाव के चलते इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाया गया था हरक सिंह रावत पर, तो महिला ने साफ कहा कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। तो नौकरी का वादा किया गया था हरक सिंह रावत की तरफ से, ये कहना है आरोप लगाने वाली महिला का। कहा कि हरक सिंह रावत अपना वादा भूल गए, हरक सिंह रावत वादा भूल गए। तो इस दौरान हरक सिंह रावत ने मुझे बुरी तरह से डांट भी दिया था और इन तमाम बातों का गुस्सा था, जिसके बाद मैं गुस्से में आ गई और मुझे इस पूरे मामले का खेद है, मैं मुकदमा वापस लेना चाहती हूं। तो आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि ये सारा जो आरोप था, ये तमाम जो आरोप थे, ये तमाम जो बातें थी, जो मुकदमा था, वो गुस्से में आकर किया गया काम था, गुस्से में उठाया गया कदम था। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, इस मसले को लेकर पूरी सियासत गर्मा गई थी, तमाम तरह के आरोप लगे थे, हरक सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। कुछ देर पहले तक ये भी खबर आ रही थी कि हरक सिंह रावत से इस्तीफा लिया जा सकता है, आलाकमान ने तलब किया है। अब क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं समाचार प्रेस के इस बड़े खुलासे के बाद? देखिए, इस खुलासे के बाद स्थितियों में जरूर बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से सच्चाई सामने आई है और हरक सिंह रावत के ऊपर जो आरोप लगाने वाली महिला थी, उसने खुद समाचार प्लस पे आकर ये बात का कबूला है उसने कि कहीं ना कहीं वो गुस्से में थी और उसने जो किया है वो उसकी भूल थी। और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे को ना हरक सिंह रावत से ने कोई छेड़खानी की, हाँ जरूर उन्होंने डांटा जरूर था और उससे ही गुस्साई थी वो महिला। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस पूरे मसले पर जो राजनीति करने वाले थे और जो इस पूरे मसले का लाभ उठाने की कोशिश में थे, उनके मंसूबे में जरूर पानी फिरा है। और समाचार प्लस ने अपनी जो हमारी
काम करने की जो हमारी बात थी जो हम चाहते थे बिल्कुल सच का साथ देना चाहते थे वही हमने किया है और वही समाचार प्लस आगे करता रहेगा। और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर अब हरक सिंह रावत को राहत मिलती जरूर नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेसी भी अब कह रहे हैं और जब समाचार प्लस ने खुलासा किया तो कांग्रेसी खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत को फंसाने की कोशिश की गई है और समाचार प्लस की सबने तारीफ भी की है कि इस पूरे मसले पर जो खुलासा समाचार प्लस ने किया है वो बेहतर वो एक उत्कृष्ट पत्रकारिता का नमूना रहा है। बिल्कुल था भी और सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज समाचार प्लस ने इस बड़े खुलासे को करने के बाद एक राजनेता की छवि को धूमिल होने से भी बचा लिया। देखिए बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो अगर इस तरीके के आरोप लगते रहे और इस तरीके से इस्तीफे होते रहे तो फिर तो लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नेता राजनेता जो है वो सामाजिक प्राणी है, उसको समाज के अंदर जाना होता है, सबसे हाथ भी मिलाना होता है, सबके गले में हाथ भी डालने होते हैं, उनको प्यार से पुचकारना भी होता है और उनको डांटना भी होता है। ऐसे तो फिर अगर कोई भी थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवाने लगा तो फिर तो राजनीति करना भूल जाएंगे नेता। और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में ऐसा ही होता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से महिला ने खुद कहा कि हरक सिंह रावत ने उनको डांट दिया था और उससे शुद्ध महिला ने जब आरोप लगाया और फिर उसके बाद वो थाने में चली गई, कहीं ना कहीं इस पूरे उससे राजनीतिक उसको ठेस पहुंची है और दूसरी बात की एक नेता को कलंकित करने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं जांच भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस इस तरीके से इस पूरे मसले के पीछे कौन था, क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था जिसने इस पूरे गेम को चलाया, लेकिन जब समाचार प्लस ने इस खुलासे को किया तो उसका गेम जो है वो फेल हो गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर अभी जांच की बहुत जरूरत है। बिल्कुल जांच की बहुत जरूरत है, सामने आना चाहिए कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन था, कौन हरक सिंह रावत की छवि को कलंकित करना चाहता था। भले ही इस मसले के पीछे पंकज कोई भी रहा हो, लेकिन विरोधियों को विपक्ष को ये मुद्दा भुनाने के लिए बेहतर था, बड़े शिद्दत के साथ विपक्ष इस पूरे मसले को भुना रहा था और हरक सिंह रावत से इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि समाचार प्रेस पर भी विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया दी गई, लेकिन अभी विपक्षी खेमे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए कहीं ना कहीं वो भी बैक फुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अगर जो पीड़ित है और जो आरोप लगा रहा है वो अपने मुंह से खुद बोल रहा है कि फलाना आदमी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, हरक सिंह रावत ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, कुछ ऐसी कोई बात नहीं, मैं गुस्से में थी। तो अब ना विपक्ष के पास और जो ना इस्तीफा मांगने की जो वो लगातार बात कर रहे थे, अब उनके पास तो मुद्दा रहा नहीं है। और जब खुद पीड़िता ने जब साफ कर दिया है कि उनकी मंशा केवल अपना गुस्सा जो था उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसी वजह से उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, अब विपक्ष जो है वो आरोप तो लगा ही रहा था, लेकिन अब विपक्ष के पास आरोप लगाने और इस्तीफा मांगने जैसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि खुद पीड़िता ने साफ कर दिया है कि वो हरक सिंह रावत ने उनके साथ कुछ नहीं किया है और कोई ऐसी स्थिति उनके साथ नहीं रही है कि वो हरक सिंह रावत पर इतना बड़ा आरोप लगा दें, लेकिन फिर भी उन्होंने किया तो उन्होंने माफी भी मांगी है और वो मुकदमा भी वापस लेना चाहती है। तो कुल मिलाकर हरक सिंह रावत की जो छवि थी उसको कलंकित होने से बचा लिया है आज समाचार प्लस ने। समाचार प्लस पर पंकज खुलासा हुआ है तो जाहिर आला कमान तक भी ये खबर पहुंची होगी, ये बात पहुंची होगी। इस्तीफे को लेकर जो खबरें आ रही थी कि तलब किया गया है आला कमान की तरफ से हरक सिंह रावत को, उसको लेकर कोई अपडेट अभी आपको मिल पा रहा है? देखिए ये तो लगातार ये बात चल रही थी कि हरक सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया है, क्योंकि मामला बड़ा संगीन था, क्योंकि जिस तरीके से आसाराम और जो तमाम और तरुण तेजपाल जैसे तमाम दिग्गजों के ऊपर छेड़खानी और ये तमाम आरोप जो लगते रहे जेल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान भी ऐसे चुनाव के मौके पर कहीं ना कहीं वो भी बैकफुट पर नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई थी कि उन्होंने हरक सिंह रावत को दिल्ली तलब किया है, खुद हरीश रावत को दिल्ली तलब किया है, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो धुंद जो थी हरक सिंह रावत के मसले पर कहीं ना कहीं साफ हो गई है। अब आला कमान को भी हरक सिंह रावत पर चिंता करने की मेरे को लगता है अब जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल खुद पीड़िता ने साफ कर दिया है कि उसको वो केवल अपनी पीठ उठाने की कोशिश कर रही थी, जो उनको डांटने की जो हरक सिंह रावत ने कोशिश। बिल्कुल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो समाचार प्लस ने सच्ची पत्रकारिता का नमूना पेश किया है, नजीर पेश किया, बड़ा खुलासा किया है, एक राजनेता की छवि को धूमिल होने से बचा लिया है। समाचार प्लस के स्टूडियो में हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला पहुंची और उसने साफ कहा कि उसने जो कुछ भी आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद है। हरक सिंह रावत को महिला ने क्लीन चिट दी और कहा कि
उसने ऐसा गुस्से में आकर किया था। दरअसल हरक सिंह रावत ने उससे नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वादे से मुकर गए। हरक सिंह रावत ने डांटा भी था उसे, जिसके चलते महिला को गुस्सा आ गया था और इस गुस्से के चलते उसने हरक सिंह रावत पर यह बेबुनियाद आरोप लगाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए हमारे साथ। खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथ में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, हाथ मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सरताज जिप्सम, भारत का पहला आईएसआई मार्क जिप्सम, पंजाब हरियाणा के साथ अब उत्तर प्रदेश में भी उपलब्ध। सरताज जिप्सम, नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम युक्त, हर तरह की फसल, फल व सब्जियों के लिए इस्तेमाल करें, उपज की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाएं, सरताज जिप्सम अपनाएं। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। खंड के विकास की दिशा में प्रदेश सरकार ने बढ़ाए कई कदम। वैट अधिनियम में संशोधन करते हुए होली के रंगों को किया वैट से मुक्त। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को शिक्षिकाओं की भर्ती में 15% अधिमान देने के प्रस्ताव को भी सरकार ने दी मंजूरी। सरकार ने जो हमारा मानदेय बढ़ाया है, हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। तो शिक्षकों के मृत 5,000 पदों को पुनर्जीवित कर दी बेरोजगारों को राहत। सीमांत और दुर्गम क्षेत्र में होगी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती। समूह गा और घा के आवेदन पत्र के लिए अब नहीं देना होगा कोई शुल्क। ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, जिससे अब सोसाइटी का हर तबका कंपटीशन में आ सकता है और निःशुल्क इसका फायदा उठा सकता है। तो बेरोजगारों का सरकार ने थामा हाथ। 35,000 रिक्त पदों पर युवाओं के रोजगार का रास्ता हुआ साफ। तो विधायक निधि अब नहीं होगी लैप्स। महिला सशक्तिकरण को मजबूती देकर जेंडर बजट में किया 14% का इजाफा। गांवों में सड़क, नाली, पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति को सरकार ने दी मंजूरी। गांवों में वर्षा जल संग्रहण के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था को भी मिली हरी झंडी। ऋषिकेश में एम्स का किया गया उद्घाटन। बिजली उत्पादन में हो बढ़ोतरी, इसके लिए 300 मेगावाट लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को दी गई हरी झंडी। साथ ही अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से सामान्य वर्ग के 7 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। प्रदेश का विकास संकल्प है हमारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून में अपना फ्लैट पाने का सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन खुलने की तारीख 20 जनवरी और बंद होने का दिन 28 फरवरी। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर फॉर्म उपलब्ध और रजिस्ट्रेशन फीस फाइनेंस सुविधा भी। जल्दी करें और याद रखें, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून। Of infinite possibilities at the business capital by Aadhar Group, with high class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. सुपर सिद्ध मिल्का आई ड्रॉप्स, फूली, माड़ा, नाखूना और मोतियाबिंद के लिए अचूक दवा मिल्का आई ड्रॉप्स, रोशनी बढ़ाए, धुंधलापन से छुटकारा दिला। उत्तराखंड की सियासत में मचे भूचाल का समाचार पत्र हुआ बड़ा खुलासा। हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला ने ही आरोपों को बताया बेबुनियाद। महिला का कहना, गुस्से में आकर लगाया था हरक सिंह पर आरोप। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा, कहा ऐसे बयान का समर्थन नहीं। खुर्शीद ने मोदी को कहा था नपुंसक। यूपी कांग्रेस में संकट के बादल, कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं सांसद जगदम्बिका पाल। बिजनौर में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं सपा के लोकसभा प्रत्याशी शहनवाज राणा, प्राइवेट गाड़ी पर लगाई लाल बत्ती, प्रशासन रहमा। मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या से गुस्साई भीड़ ने जमकर किया हंगामा, पुलिस पर हावी हुए उपद्रवी, दरोगा से की गई जमकर हाथापाई।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में सेना के जवान ने 6 साथियों को गोलियों से भूना, खुद भी की खुदकुशी, हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। हापुड़ में दहेज के लिए महिला को किया गया प्रताड़ित, ससुराल वालों ने एक हफ्ते तक रखा भूखा, दहेज में मांग रहे थे नकदी और गाड़ी। बरेली में रेलवे कॉलोनी में एक घर में लगी आग, पति पत्नी की जिंदगी